दुनिया भर के देशों के बीच भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनाने वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो पर आज हर देशवासी को नाज है। इसरो का रॉक स्टार पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी पैसे बनाने की मशीन बन गया है। पीएसएलवी के नाम 28 देशों के 209 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में पहुंचाने का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। 23 जून को पीएसएलवी C-38 अपने साथ 712 किलोग्राम वजनी कार्टोसैट-2 सैटेलाइट के साथ साथ 30 अन्य सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष ले गया था। इनमें 29 सैटेलाइट्स 14 दूसरे देशों के थे। बुधवार को सरकार ने बताया कि इन 29 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग से इसरो की कॉमर्शियल यूनिट एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 45 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 23 जून की मल्टीपल लॉन्चिंग से पहले इसरो ने 15 फरवरी को अपने पीएसएलवी C-37 से एक साथ 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। हालांकि इसरो ने उस लॉन्चिंग में हुई कमाई की जानकारी नहीं दी। दरअसल अंतरिक्ष की कक्षा में उपग्रहों को भेजने का बिजनेस में काफी प्रतिस्पर्धा हो गई है। स्पेस एक्स की फॉल्कन 9, रूस की प्रोटॉन ULA और एरियन स्पेस जैसी कंपनियों की स्पेस इंडस्ट्री में धाक है, लेकिन एंट्रिक्स की किफायती दरें और छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में इसरो की महारत से विदेशी ग्राहकों को आकर्षित करने में लगातार कामयाबी मिल रही है। 2013 से 2015 तक इसरो ने 28 विदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनमें एंट्रिक्स को करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। वहीं 2015-16 में एंट्रिक्स ने विदेशी सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग से 230 करोड़ रुपए कमाए थे, जो ग्लोबल लॉन्च सर्विस मार्केट की कुल आमदनी का 0.6% हिस्सा है। हालांकि एंट्रिक्स के हिस्से सैटेलाइट मार्केट का बिल्कुल छोटा ही हिस्सा हाथ लग रहा है, लेकिन इस बात की भरपूर संभावना है कि भारत की स्पेस एजेंसी भविष्य में जबरदस्त मुनाफा कमाएगी। टीम इंडिलिंग्स।